प्यारे दोस्तों, विश्व शांति की ओर हम अपने सारे मानव को ले जाना चाहते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि उनके जीवन में सही दिशा का ज्ञान हो। सही दिशा का जब उन्हें मार्ग मिलेगा तो उस पर चलेंगे और दृढ़ संकल्प के साथ गंभीरता से सोचते समझते कि प्रेम ही जीवन है और समों के साथ चलने में ही हमारा कल्याण है। जनसंख्या नियंत्रित हो, ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान ज़्यादा लोग हों और शिक्षित बेरोजगार परेशान लोग कम हो, सबके लिए आवश्यक है कि सही ज्ञान हो। इसीलिए मैं अपनी लता बहन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आप में इस तरह से हमें प्रेरित करें, मुझ में शक्ति इतना देना दाता कि मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊँ। लेकिन ये एक भजन है, जो भजन गाने वाले हैं वो अपने आप पर विश्वास कम रखते हैं लेकिन बाहरी शक्ति पर विश्वास ज़्यादा रखते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं उस तरह का भटका हुआ मनुष्य नहीं हूँ। मैं ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया हूँ और मैं जानता हूँ कि अपने सोच को धारणा ध्याना से ही अपने मस्तिष्क में नियंत्रित कर सकते हैं और हमारे विचार ही हमें सही दिशा देंगे। इसीलिए ये किसी बाह्य शक्ति को आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मैं खुद अपने आप से प्रार्थना करता हूँ, अपने बुद्धि और विचार और विवेक से अपने मस्तिष्क में इन विचारों को डालता हूँ। लेकिन ये विचार सही है जो लता जी गाने जा रही हैं, लेकिन ये दूसरे भरोसे जीते हैं। दूसरे भरोसे जीने वाला व्यक्ति कभी कुछ कर नहीं सकता। खुद पर विश्वास रखना चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए। हम अपने भाग्य के खुद विधाता हैं। हमारे सोच ही हमारी शक्ति है। हमारे सोच के आधार से ही हमारी वाणी निकलती है और उसी से हम कर्म करते हैं। और जैसा कर्म करते हैं, जिस सोच के स्रोत से निकला है, वैसा ही हमारी परिस्थिति बन जाती है। महान सोचने वाला व्यक्ति कभी भी महान ही होगा, लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति से है, पाप काम क्रोध मद लोभ मोह द्वेष से ग्रसित व्यक्ति है, वो हमेशा दुष्ट ही बनेगा। तो प्यारे दोस्तों, लता जी की मधुर स्वर में ये भजन सुनिए। भजन तो भगवान को करते हैं, लेकिन मैं खुद भगवान हूँ। आप भी अपने आप भाग्य के विधाता भगवान हैं। आपके मस्तिष्क में विचार जानी चाहिए और उसे अमल करिए। लेकिन ये थोड़ा सुनिए, इसमें ज्ञान बहुत है, इसमें विचार बहुत ही सबल है, प्रबल है। सुनिए। धर्मों में जो कहा गया है, उस विचारों पर अमल करिए। धर्मांध मत बनिए, होमी मत बनिए, मंदिर मस्जिद में मत जाइए। अज्ञानता तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, अज्ञानता हर बुराई से बचते रहे हो। बुराई से बचिए, मनी मत करो, ईर्ष्या द्वेष मत करो, भावना मन में बदले के अभी बदले की भावना से पेट मत करो। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल
अनंत ज्ञान है भाई, इसमें अमल करिए। शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अपने आप से बोलता हूँ मैं, भगवान में विश्वास नहीं करता, भगवान वन कुछ नहीं है भाई। भगवान तुम हो कि विचारवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान व्यक्ति खुद हो, वही व्यक्ति महान हो सकता है जिसमें अपने आत्मविश्वास हो। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। भीख मत मांगो, देने की बात करो। ज्ञान है भाई, अपनी करुणा का जल तू बहा के, करुणा में बन कर दे पावन हर एक मन का कोना। वाह वाह, यही मैं कर रहा हूँ। चले नेक रस्ते पे हम, फकीर योगी वेंद्र योगी का यही है विश्व शांति का मार्ग। कोई भूल होना, कोई गलती नहीं हो भैया। विश्वास, आत्मविश्वास से सब चीजों की सिद्धि होती है। विश्वास रखो अपने बुद्धि पर, अपने बल पर, अपने विचार पर। और योगा चित्त वृत्ति निरोधा, अपने चंचल मन को नियंत्रित रखो, सही रास्ते पर ले चलो। शांति की ओर, प्रेम की ओर, करुणा की ओर, दया की ओर। जैसा विचार वैसा संस्कार, वैसी परिस्थिति वैसा वातावरण, कोई बाहरी शक्ति तुम्हारी मदद नहीं करेगा, या आपसे कुछ नहीं होगा। इसके तत्व को समझो, इसमें विचारों में जो छुपी हुई शक्ति है, भक्ति निष्ठा से उसे अमल करो। यही फकीर योगी बोलते हैं। थैंक यू प्यारे दोस्तों। तो ये मेरी भावना है कि आप इसमें जो विचार छुपे हुए हैं इसे अमल करिए। और योग विद्या यही सिखाता है कि अपने विचारों में जो एट लिम्स ऑफ योगा पतंजलि का है उसको अमल करिए, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा और विश्व शांति भी आ जाएगी। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।